पहले समरकंद, फिर शंघाई कोऑपरेशन, फिर बाली में जब भारत का तिरंगा लहराया तो दुनिया देखती रह गई और सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर भारत की ताकत क्या है। उससे पहले सितंबर में खून के आंसू रोने वाले अमेरिका को जब भारत ने पाक मामले पर आईना डायरेक्ट दिखाया तो हलचल मच गई। विश्लेषक सोच में पड़ गए कि आखिर क्या कर रहा है भारत और आगे भारत क्या करेगा कि उसी के घर में आकर भारत ने जो अमेरिका की धुलाई की वो मजेदार है। फिर क्या था, अब दुनिया की निगाहें भारत के साथ कदम ताल मिला रही है। अब उसी कड़ी में एक और धमाका हुआ। जी हाँ, यूएन के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद यूएनएससी में निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के सफल कार्यकाल और इस महीने इसकी उत्पादक अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि इसने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया। जानकारी देते चलें कि भारत ने 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने अवकाश सप्ताह से पहले दिसंबर के महीने के लिए भारत की अध्यक्षता के तहत बृहस्पतिवार को एक ब्रीफिंग दी और कहा कि सुरक्षा परिषद के आने वाले सदस्यों समेत संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों ने दिसंबर में अध्यक्ष के रूप में परिषद के भारत के नेतृत्व की सराहना की। यूएनएससी में सुधारों की आवश्यकता पर बोलते हुए भारतीय अधिकारी रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि सुरक्षा परिषद में सुधार समय की आवश्यकता है। ये विश्वास हमारे कार्यकाल के बाद ही मजबूत हुआ। भारत की यूएनएससी की गैर स्थायी सदस्यता 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। कंबोज ने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान हमने शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन में बात की। हम आतंकवाद जैसे मानवता के साझा दुश्मनों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में संकोच नहीं करेंगे। हम इस बात के प्रति सचेत थे कि जब हमने सुरक्षा परिषद में बात की तो हम अरबों भारतीयों की तरफ से बोल रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि क्या किया है भारत ने और कैसे दुनिया को अपने साथ लाया। और सबसे बड़ी बात, अब भारत में 2023 का G20 होने वाला है जिस पर सभी की नजर है और भारत पूरी ताकत के साथ लग गया है। कई बैठकों का दौर हो चुका है और फिर नए साल पर नए तरीके से बैठकों का दौर शुरू होगा। देखना होगा कि भारत इसमें सफल हो पाता है या नहीं, लेकिन तेवर देखकर लग रहा है कि भारत दुनिया को चौंकाने में कामयाब होगा।